हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैप्टर के पहले वीडियो में हमने नरेशन तक आंसर्स किए थे। आज हम डायलॉग वन से आंसर्स यहाँ पे करेंगे। इस वीडियो के बाद मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स भी हैं जो आपके लास्ट ईयर के हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूँगी। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। रीड द डायलॉग्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ्स दैट फॉलो ईच। यूज द रिपोर्टिंग वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। दिस ऑल आर रिपोर्टिंग वर्ब्स। ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। डायलॉग वन हैज़ बीन गिवन हियर। फरहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? यू लुक रैदर डिजेक्टेड। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज चिल्ड्रन के यहाँ पे जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं ना, हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे देखो, उसने ऑलरेडी दिया हुआ है फरहा इंक्वायर्ड, उसी को व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जो है क्वेश्चन मार्क के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इंक्वायर्ड उसने दिया हुआ है। फरहा इंक्वायर्ड ऑफ सोमिया व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर फॉर शी लुक्ड रैदर डिजेक्टेड। नाउ यहाँ पे देखो, सोमिया का आंसर क्या है? आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट द एक्स्ट्रा वर्क आई हैव टू डू। तो इसमें से हम कौन से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं? कंप्लाइन। सोमिया कंप्लाइन that she was very unhappy about the extra work that she had to do. मैं यहाँ पर repeat कर रही हूँ children, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये messy हो गया है। I am repeating it again. Complain that she was very unhappy about the extra work that she had to do. मत लिखना, यहाँ पर already to do दिया हुआ है। फरहा who was free at that moment decided to help her with some of it. Decided to help her with some of it. ए decided word जो है मैंने box में से, जो pink color का box दिया हुआ है ना previous page में, उसमें से लिया हुआ decided word मैंने उसमें से लिया है। And advised her to take leave. Even this word is also from the same box. And rest for a few days. Somia exclaimed, good God, and thought that she should resign. फरहा persuaded. Persuade means किसी चीज़ को करने के लिए किसी को एंकरेज करना कि तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो इसको persuasion कहते हैं। उसी को यहाँ पे verb की तरह यूज़ किया हुआ है, persuaded her not to do so and reminded her that it was just the beginning of her career. Somia was adamant. She had decided that she should quit that job. Farha felt quite helpless and decided that she was not going to discuss her children, discuss the matter with her. She thought talking about it was a waste of time. Now, let us look at dialogue 2. Arjun, I have lost my maths book. Can you lend me yours? अब देखो यहाँ पे जब आप आंसर में कन्वर्ट कर रहे हो, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना चिल्ड्रन। Arjun told Pranav that he had lost his maths book and inquired. Inquired क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे वो पूछ रहा है, can you lend me yours? इसका आंसर yes or no में होगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे inquired लिखा है। If इसलिए लिखा क्योंकि इसका आंसर yes or no में होगा ना, इस वजह से if को लिख रहे हैं हम। And inquired if he could. He could can change हो गया could में। He could lend, ये lend है, lend him his maths book. Pranav, see here, यहाँ पर Pranav, I am sorry for I need it to do my homework. यहाँ पर now Pranav, तो I am sorry बोला ना, तो इसलिए हमने word लिया है apologized. Pranav apologized. किससे अपोलोजाइज किया? अर्जुन से। अर्जुन एंड फर्दर एडेड। सी यहाँ पे मैंने लिखा ये फर्दर एडेड, क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ पे कॉमा देके उसके बाद और सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा एंड फर्दर एडेड दैट ही नीड इट टू डू हिज होमवर्क। मैं यहाँ पे वापस रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रेन। प्रणव अपोलोजाइज्ड अर्जुन एंड फर्दर एडेड दैट ही नीड इट टू डू हिज होमवर्क। Arjun was very angry and accused Pranav for the loss of book. ये बहुत यहाँ पे प्लेस इनफ नहीं थी, तो मुझे ये छोटे छोटे लेटर्स में एक के ऊपर एक लिखना पड़ा चिल्ड्रन, तो प्लीज़ मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, इसको वापस देख लेना आप। Accused means किसी को ब्लेम करना कि तुमने किया है, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ है। And accused Pranav for the loss of book. He further said that he was taking his book.
Pranav ordered Arjun not to touch his book and further said, and Pranav ne kya bola, don't touch my book, you must not enter my room again or there will be trouble. तो उसने क्या बोला, डोंट टच हिज बुक एंड फर्दर सेड दैट ही मस्ट नॉट एंटर हिज रूम अगेन और देर वुड बी ट्रबल. ट्रबल यहाँ पे दे दिया है तो इसको कट कर दिया मैंने, देर वुड बी ट्रबल. अर्जुन एक्सक्लाइम्ड नो, यहाँ पे देखो अर्जुन, ओ नो इज देर नो जस्टिस. अर्जुन एक्सक्लाइम्ड नो एंड फर्दर क्वेश्चन इफ देर वॉज नो जस्टिस, फुल स्टॉप है यहाँ पे. जब भी आप एस आर नो के क्वेश्चंस देखोगे ना कि इसका आंसर यस और नो में आएगा तो आप इफ़ को लिखोगे या वेदर को लिखोगे. ओके और लेट अस लुक एट थर्ड क्वेश्चन. चूज द मोस्ट सूटेबल आइटम फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग रिपोर्टेड स्पीच. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन. आई ऑफर्ड हिम समथिंग टू ईट बट ही सेड दैट ही हैड ओनली जस्ट हैड डिनर. तो इसी को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे कि यहाँ पे ऊपर में से कौन सा मैच कर रहा है कौन सा सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे. शी गॉट होम एट 2 AM एंड टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी मिस्ड द लास्ट बस. ओके, रात के 2 बजे जब आप आए तो उसका आंसर यहाँ पे वही होगा ना कि शी मिस्ड द लास्ट बस. ए पुलिस स्पोक मैन सेड दैट दे वर डूइंग ऑल दे कुड to solve the case. In a TV interview, the finance minister promised that he would not increase taxes. Let us look at the even. She asked him to get out of her house and told him that she didn't want to see him anymore. This one is very easy children. ऊपर आप देखो तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा, बस हम सिर्फ आई ही जो है ना उसको चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रोनाउंस जो चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा ऊपर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है. सो आई एम नॉट गिविंग लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ओवर हीयर. माई हॉरोस्कोप वॉज रॉन्ग एज यूजल, इट सेट दैट आई वॉज गोइंग टू हैव ए फैंटेस्टिक वीक. सी हॉरोस्कोप अगेन रॉन्ग है, यानी कि ये हमेशा इसके लिए वीक अच्छा नहीं होता है. हाँ, see how humorous it is. When I asked her for my book back, she said that she had not finished it then. I was horrified when the doctor told me that I would had to have an operation. Okay, now let us look at models. Okay. Complete the following letter using the correct form of should, ought to, must, need or have to. यहाँ पे should, ought to, must, need or have to, ये 5 models को यूज करने हैं आपको यहाँ पे sentences में. Okay, dear son, this is a letter from mother to son. Dear son, I was glad to read your letter and the fact that your friends are coming over. I think you should or ought to offer to receive them at the airport. Besides, tell them that they need not पे टू स्टे इन ए होटल. यहाँ पे नीड को मैंने यूज़ किया है, नीड के साथ पे है, नीड नॉट पे यहाँ यूज्ड. कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा आप मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे तो नीड नॉट ही आएगा. दे कैन स्टे विथ अस, यू शुड ड्राइव देम राउंड द सिटी इफ़ पॉसिबल और एल्स अरेंज फॉर ए गुड कैब सर्विस. We are enjoying our stay here. We have been staying in the guest house for the last 2 weeks, so we need not cook. Cook करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. Guest house में everything is arranged. Your dad is a little tired because of a continuous strenuous work, but it's his own fault. He must not work late nights. Why should poodle be chained all day? You should take him for a walk in the evening. And yes, you must not bathe him in the evening. He'll fall ill. Minnie's wedding has been postponed, so I shall not return early. यहाँ पे ना ही should और ought to, must, need, have to कोई भी यहाँ पे set नहीं हो रहा था children, इसलिए मैंने यहाँ पे shall को use किया है. So I shall not return early. या फिर यहाँ पे आप will को बोल सकते हो कि so I will not return early. You need not worry about us. We shall be back by the end of this month. Take care with love, ma. Write each of the following pairs of sentence as one sentence using need, should not, will, ought to, must not or have to. One has been done as an example. Everyone gets up early but Parul does not. Her classes are in the evening. अब यहाँ पे देखो आप Parul need not get up early लिख सकते हो क्योंकि as her classes are in the evening. यहाँ पे आप must not नहीं आएगा, need not आएगा. उठने की ज़रूरत नहीं है उसको सुबह सुबह क्योंकि उसकी क्लासेस इवनिंग में है. The meeting is at 9 o'clock. I am supposed to attend it. I must attend the meeting at 9 o'clock.
Now let us look at D1. Safety regulations are for employees. It's for their own safety. Employees should follow safety regulations for their own safety. Now let us look at E1. Students wear uniforms to school. It is compulsory. Compulsory hai to yahan pe hum likh rahe hain. It is must for students to wear uniforms to school. अब सी यहाँ पे कंपलसरी है तो यू कैन इवन से कि स्टूडेंट्स हैव टू वियर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, ऐसे बोल सकते हो चिल्ड्रन हैव टू, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको यूनिफॉर्म पहन के ही जाना है. तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हैव टू वियर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल भी लिख सकते हो. इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, गिव हर अ बर्थडे गिफ्ट. यू शुड गिव अ बर्थडे गिफ्ट टू योर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे. दिस इज़ एन एडवाइस. This is a library. Please maintain silence. You ought to maintain silence in the library. यहाँ पे ought to को use करेंगे हम, should और must की बजाय ought to को use करेंगे, क्योंकि वहाँ पे library में आपको silence रहना वो एक moral duty की तरह है. तो हमने यहाँ पे ought to को use किया है. Tina is too young. She needs your help to cross the road. You ought to help Tina to cross the road. This is also a moral duty. तो इसलिए मैंने ought to को use किया है. The lawn has been watered. Do not walk on the grass. You should not walk on the watered lawn or watered grass. Watered grass भी लिख सकते हो. This is an advice. तो यहाँ पे आपने should use कर सकते हो. कुछ answers मेरे और आपके teachers के different हो सकते हैं, because के एक ही जगह पे आप दो दो models को use कर सकते हो. I may fail in one of my exams. It's worth taking all of them again. If I fail in any one of my exams, I will take all of them again. Patients in hospitals need rest. Do not make a noise. You must not make a noise in hospital as patients need rest. Must not हमने यहाँ पे use किया है. Fill each gap with one suitable word. One has been done for you. ये answers person to person differ करेंगे. I am informing again, these answers will differ from person to person. Okay? I was walking through the park yesterday when I heard लिखा मैंने, इसको पास्ट टेंस में यूज़ किया मैंने, व्हेन आई हर्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टडे था. व्हेन आई हर्ड सडनली वन लाउड स्क्रीम आफ्टर अनदर. आई एम श्योर इवन नाउ, यहाँ पे इवन नाउ है इसलिए मैंने प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया है. आई एम श्योर इवन नाउ दैट दे आर स्क्रीम्स, बट व्हेन आई रीच्ड द स्पॉट, ये कल जो हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं हम यहाँ पर. बट व्हेन आई रीच्ड द स्पॉट आई सा नथिंग. आई फेल्ट आई हैड बीन इमेजिनिंग द साउंड्स ऑल अलॉन्ग. ओके, now let us look at B part. My flatmate is a very difficult person to live with. He keeps his things lying all over the place. He never places anything away. He created such a nuisance the past week. He never lends to anyone and borrows according to his own will. For the last 2 days I have been thinking of changing my flat. सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो, ये आंसर्स ऑल्सो आपको डिफर करेंगे फ्रॉम अदर बुक्स किसी और के आंसर्स के साथ. यहाँ नाउ यहाँ पे यू बी है तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिया है. वेयर आर यू भरत. नाउ यहाँ पे हम आंसर दे रहा है, बी आंसर दे रहा है. आई एम टॉकिंग टू समृद्ध ऑन द फोन. ही सेज ही हैड बीन ट्राइंग टू फोन अस ऑल डे. समृद्ध जो है वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था पूरा दिन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैड बीन लिखा है. ट्राइड की बजाय हैड बीन ट्राइंग ज़्यादा सही है चिल्ड्रन. तो ये ट्राइड नहीं है, क्या आएगा, हैड बीन ट्राइंग. ही हैड बीन ट्राइंग टू फोन अस all day. Well, I was in the office most of the day, but I did not hear the phone. That's strange, but anyway, he received a phone call from Saurav's mother. Saurav was in some kind of accident. Saurav ने एक accident face किया. Oh dear, did he break any bones? क्या उसकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी है? I'm not sure how badly he is hurt, but I think we should go and see him tonight. यहाँ पे बी फॉर्म है इसलिए मैंने यहाँ पे ईस लिया है. वो अभी भी हर्ट है तो इसलिए हाउ बैडली ही इज हर्ट लिखा हमने. नाउ लेट अस लुक एट डायलॉग टू. डायलॉग टू इज बिटवीन मोहित एंड प्रणव. हेलो, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस. इट मस्ट बी अबाउट 2 years सिंस वी लास्ट मेट. व्हाट आर यू डूइंग नोवेडेज? Mohit, I am doing all sort of things. Life is very busy lately. I have started a new job to the sailing center. Really? Doing what? Well, I am teaching beginners course to school groups this term. अभी यहाँ पे I am teaching, क्योंकि continuous tense लिया है क्योंकि अभी भी ये काम कर रहा है.
बट वेन दोज फिनिश आई विल बी टीचिंग मोर एडवांस्ड ग्रुप्स ऑन हॉलीडेज. ये दोज प्लूरल है चिल्ड्रेन, दोज ये रेफर कर रहा है कोर्सेस को, तो कोर्सेस है इसलिए हमने यहाँ पे फिनिश लिखा है, पीछे ईएस नहीं आएगा. वेन दोज फिनिश आई विल बी टीचिंग मोर एडवांस्ड ग्रुप्स ऑन हॉलीडेज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. That sounds great. What about your old job at the tourist office? Well, I worked there for 10 years. यानी अभी वो वहाँ पर काम नहीं कर रहा है इसलिए मैंने simple past tense worked लिया है. And I quite enjoyed it. And what about you? Well, I am still at the Grand Hotel. अभी भी वहाँ पर काम कर रहा है. I have been working. This is present perfect continuous tense है ये. Have been working there for 15 years now. But I had a promotion. So that's good. They have given me the job of deputy general manager. Who is saying? Pranav is saying. Mohit. Oh, that's good news. P. Pranav. Yes, it makes me feel much better about work. Besides, a month ago, besides means iske alawa, a month ago I passed my beginner's course exams in French and German. Did you know I attend Spanish language classes in the evenings? Mohit. So you do. What a good idea. सी यहाँ पे प्रणव यहाँ पे बता रहा है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. यूज द वर्ब इन ब्रैकेट्स अप्रोप्रिएटली टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक सेंटेंस में आप अलग अलग टेंसेस को यूज कर सकते हो. कैसे? कि आई एक्सपेक्ट दे विल बी टायर्ड, ये फ्यूचर में आया कि वो बहुत टायर्ड रहे होंगे. व्हेन यू सी देम, जब तुम उनको देखोगे. बिकॉज, क्योंकि दे हैड बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वो पूरा दिन काम कर रहे थे इसलिए वो थके हुए रहेंगे जब तुम उनको देखोगे. ये मीनिंग है इसकी. ओके, आई थिंक दे विल फिनिश बिल्डिंग द हाउस बाय द टाइम द विंटर सेट्स. दिस इज फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है ये सिंपल प्रेजेंट है. एंड देन वी विल मूव इन द न्यू ईयर, दिस इज सिंपल फ्यूचर है. नाउ लेट अस लुक एट C1. कैन यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी ऑन योर वे टू वर्क? B. I am sorry, but I will not walk past the post box this morning. आज मैं उस साइड से नहीं जाने वाली हूँ. Because, क्योंकि रोहिणी will give me a lift to work. तो यहाँ पे simple present tense को दोनों में use कर लिया. Now let us look at D1. Have you decided what you will do this weekend? Will do. या फिर यहाँ पे आप what you are going to do ऐसे भी लिख सकते हो children. What you are going to do, you भी, ये भी future का एक form होता है. What you are going to do this weekend. Now read the following conversation completed by writing the correct form of the verbs in the brackets following each blank. Anita. Meghna, we need to complete the project at hand. Do you think I can come over to your place right after work? Anita जो है Meghna से permission पूछ रही है कि मैं काम के बाद immediately आ जाऊँ. Meghna, I don't think that will work out. Why don't you come around 5 o'clock? The children will go to play by then. बच्चे खेलने गए होंगे 5 o'clock. So it will be nice and peaceful. Okay? Now Anita पूछ रही है, are they at school right now? अभी क्या स्कूल में है? Meghna, yes, they will be hungry. Children will be hungry when they get home. Because they had been working and running all morning at school. जब वो शाम को घर पे आएंगे तब उस टाइम पे वो हंगरी रहेंगे. When they get home, because क्योंकि they had been working and running around. Had been working and running around है children यहाँ पे. मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, इसको लिख लेना आप. All morning at school. You should ring up your husband and inform him of the change. Anita, I can't phone him now. He has not reached home at. He usually gets back at about 8:30. See, यहाँ पे at है इसलिए हमने यहाँ पे present perfect tense को लिया है. He has not reached home at. Meghna, you could try to come around 9 o'clock. The children will go to sleep by the time you come and we will work on the project. Anita, everyone is home at that time. I expect they will be hungry because they had been working all day. यहाँ पे देखो कि अनीता रीज़न बता रही है कि उसके घर वाले पूरे दिन काम कर रहे थे इसलिए वो जब आएंगे रात 9 o'clock वो हंगरी रहेंगे. और मेघना यहाँ रीज़न बता रही है कि उसके बच्चे हंगरी रहेंगे 5 o'clock बिकॉज वो पूरे दिन स्कूल में वर्क करके और रन करके आए हुए होंगे. ओके, तो दोनों यहाँ पे अपना अपना रीज़न बता रहे हैं टुगेदर वर्क करने के लिए कि वो टाइम मेरे सेट नहीं होगा, ये टाइम मेरे सेट नहीं होगा. Meghna, how about the weekend then? Have you decided what you will do this weekend?
यहाँ पे विल डू. अनिता, आई एम नॉट गोइंग आउट एनीवेयर बिकॉज माई कज़िन विल कम ओवर. आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया चिल्ड्रन. ये काफ़ी डिमांड पे मैंने इस वीडियो को बनाया है. गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैव अराइव्ड ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस.